तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपका, आयो बहुत अच्छे होगे। एंड गाइज मैं वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन से। सो गाइज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने ऑटोडेस्क का लोगो दिया है, तो इस वीडियो में मैं उसका भी यूज़ करूँगा, लेकिन लाइटरूम का भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है हमारा रीटच के मामले में। तो मैं इसमें फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ गाइज, और गाइज वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना अगर एडिटिंग आपको दिल से सीखनी है तो। एंड मैं सब सीक्रेट बताऊंगा आपने इस वीडियो पे। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हमारे फेस भाई की फ़ोटो पे। तो इस फोटो में एक सा कलर टोन दूंगा मैं लाइट रूम से, तो लाइट पे जाऊंगा एंड कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, एंड हाईलाइट को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। इसके बाद शैडो को भी इंक्रीज़ करूँगा, शैडो को इंक्रीज करने से जहाँ पर शैडो थी वो सब एक सी हो जाएगी, एंड वाइट को भी इंक्रीज़ करूँगा। तो मैंने चार चीज़ों को इंक्रीज़ किया, सब इंक्रीज़ ही किया है। कलर पे जाऊंगा, वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर दूंगा थोड़ा सा, टेम्परेचर को 1.2 बढ़ा दूंगा। मिक्स पे जाऊंगा, फर्स्ट कलर की सैचुरेशन को इंक्रीज़ करूंगा। सेकंड पे जाऊंगा, ल्यूमिनस को इंक्रीज़ करूंगा। एंड हम सेकंड कलर पे आएंगे तो ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर दूंगा। तो जो सेकंड कलर होता हमारा फेस का कलर होता है, अब मैं ये ग्रीन येलो कलर पे गया तो इसको इस टाइप की सेटिंग की मैंने। एंड ये हमारे बाकी कलर इस फोटो पे है नहीं, अगर आपकी फ़ोटो पे है तो ज़रूर ट्राई करें कैसा इफ़ेक्ट आता है। तो इसके बाद जाऊंगा मैं डिटेल इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, टेक्सचर को इंक्रीज़ कर दूंगा। इसके बाद आता है बेनियट का ऑप्शन, तो इसको डिक्रीज़ करूंगा। मैं हर फोटो पे करता हूं सेम प्रोसेस इस टाइप की, एंड इन दोनों को मैं सेम करता हूं 100 100। तो यहां पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलर टोन दे दिया है मैंने अपने फेस पे। मैं जूम करके दिखा देता हूं आफ्टर बिफोर क्या चेंजिंग हुई है, इस तरीके से चेंजिंग हुई है। एंड कलर हमारे फेस पे अच्छा आ चुका है, ग्लो आ चुका है। सो गाइज आपको अगर फेस को स्मूथ करना है, कोई भी फ़ोटो आप एडिट कर रहे हो तो पहले लाइटरूम से उसको ग्रेडिंग करें, एंड उसके बाद फ़ोटो को सेव कर दें और उसको ऑटोडेस्क के में ले जाएं। मैं भी अपनी फ़ोटो पे यही प्रोसेस करता हूँ, लाइटरूम से एडिट करने के बाद ऑटोडेस्क पे फ़ोटो को ले जाता हूँ। तो मैं लाइटरूम से मैंने सेव कर ली है फ़ोटो, अब मैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर उस फ़ोटो को कर लूँगा इसमें ऐड। तो फोटो ऐड हो चुकी है, एंड आपको मैं बता दूँ इसमें कौन सा ब्रश हमको स्मूथ के लिए चॉइस करना है। तो आपको लाइब्रेरी पे चला जाना है, इस वाले ब्रश को ले लेना है। इसकी सेटिंग हमको 3:2 रखनी है, ये 3:3 रख भी सकते हो, और इसके साइज़ को आप अपनी फ़ोटो के फेस के हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड अब हम अपनी फ़ोटो को बेहतरीन अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे, तो आपको बस इसके साइज को ध्यान रखना है, जहाँ पर साइज घटाना है तो उसको घटा लें, तब आपकी फ़ोटो अच्छे से स्मूथ लगेगी एंड प्रोफेशनल लुक देगी आपकी फ़ोटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छी तरीके से इसको स्मूथ कर रहा हूँ, और गाइज बहुत अच्छे तरीके से एंड तक इसको कर दूँगा। और गाइज वीडियो कैसा लग रहा है तो अभी से लाइक ज़रूर कर देना, एंड में अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फोटो मैंने स्मूथ कर ली है, अब मैं जाऊंगा लेयर वाले ऑप्शन पे और प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो एक एम्प्टी लेयर ऐड हो जाएगी। अब कलर पे जाऊंगा एंड स्कैन, ये वाला ऑप्शन होता है अपने फेस पे जहां पे ब्राइट कलर है उसको ले लूँगा। अब मैं कलर वाले ब्रश को चॉइस कर लेता हूं, तो ए वाले ब्रश को हमको ले लेना है, और अब आपको जहाँ पे आपको शैडो वगैरह दिख रहा हो वहाँ पर पेंट कर देना, चाहे तो आप पूरे फेस पे इसको अच्छे से पेंट कर सकते हो। तो पेंट होने के बाद जाऊंगा लेयर पे उसी वाली पे, और इसकी ऑपोसिटी को कर दूंगा कम। तो यहाँ पे आपको अब जहाँ पे और रह गया है तो वहाँ पे आप पेंट कर सकते हो। तो गाइस फेस पे कलर होने के बाद जाऊंगा लेयर पे, एक और एम्प्टी लेयर को ऐड कर लूँगा, और यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगा रेड, और अपने लिप्स पे कर दूँगा। सो गाइस जैसा कि आपने अगर अपनी फ़ोटो को लाइट रूम से रीटच किया है तो आपके लिप्स में थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, वो यहाँ से पूरा हो जाता है। अगर आपके लिप्स वास्तव में डार्क हैं तो आप यहाँ से पिंक कर सकते हो उसको। ओके, अब मैं वापस लेयर पर क्लिक कर दूँगा, एंड लेयर पर क्लिक करने के बाद
हम जो हमने फेस पे कलर किया था उसको मैं मर्ज कर दूंगा रियल लेयर पे, एंड रियल लेयर पे मर्ज करने के बाद ब्रश कर लूंगा स्मूथ वाला। सो गाइस, जैसा मैंने मर्ज इसलिए किया है क्योंकि कलर जहाँ पे धब्बे हैं या कहीं पे छूट गया उसको मैं दोबारा यहाँ से स्मूथ कर दूंगा, तो कलर के साथ हमारे फेस पे वो एक सा हो जाएगा। तो एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा फेस लगने लगा है, एकदम फोटोशॉप जैसा। और फोटो अब हमको कर लेनी है सेव, तो यहाँ से हम फोटो कर लेंगे सेव। एंड फोटो सेव होने के बाद आप यहाँ से भी आप वीडियो कट कर सकते हो। अगर आपको ऑयल पेंट भी सीखना है तो आपको टूल बेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये वीडियो में मैंने थंबनेल में फ़ोटो को लगाया ऑयल पेंट वाला, इसलिए मैं ऑयल पेंट की फ़ोटो भी यहाँ से बना रहा हूँ इसको। तो ये हमारा टूल बेज एप्लीकेशन है, आपको नॉर्मली प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रो एडिटिंग पे क्लिक कर लेना है, एंड इसके बाद आपको उस फोटो को ले लेना है जो मैंने अभी एक्सपर्ट की है वहाँ से। तो गाइज, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं फेस कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इफ़ेक्ट पे जाऊँगा और अपने हेयर पे ऑयल पेंट अप्लाई करूँगा। इफ़ेक्ट में हमको सॉफ्ट स्मज पे क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पे इस टाइप के ऑप्शन दिख जाएंगे, तो हमको 6 नंबर वाले को चॉइस कर लेना है और इसको हमको ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है इस तरीके से। अब मास्क पे क्लिक कर देना है, क्लियर कर देना है इसके बाद, और हमको अब अप्लाई कर देना है जहाँ पे हमको अप्लाई मतलब करना है। तो मैं हेयर पे करना चाहता हूँ इसलिए मैं हेयर पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगा। अगर आप चाहें तो इसको ना करें, आप लाइट रूम और ऑटोडेस्क का स्टेप पूरा करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी फ़ोटो आपकी परफेक्ट है। अगर आपको ऑयल पेंट अच्छा लगता है तो यहाँ से आप ऑयल पेंट भी फ़ोटो पर दे सकते हो। तो गाइज, मुझे ऑयल पेंट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप मेरी फ़ोटो को देख सकते हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं दे रहा हूँ आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऑयल पेंट अपनी फ़ोटो में कभी नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा हो इसलिए मैं ये वीडियो ऑयल पेंट का भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। तो गाइज, फ़ोटो में ऑयल पेंट भी अप्लाई हो चुका है। अब मैं फ़ोटो को कर दूँगा सेव, और ऊपर जो ऑप्शन है बना हुआ है हमारा राइट साइड पे, उस पर हम क्लिक करेंगे और फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइज, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको सिर्फ 1 सेकंड लगने वाला है वीडियो को लाइक करने में, तो लाइक ज़रूर कर देना। और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो डेली अपलोड करता हूँ अपनी चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह फ़ोटो एडिटिंग के पूछने हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।